नमस्कार दोस्तों, आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एक आईपीओ को लिस्ट होने से पहले डीलिस्ट कर दिया गया है। एक्चुअली उसको डीलिस्ट नहीं कहेंगे, हम उसको पोस्टपोन कहेंगे। और इससे हमें एक चीज हमें यह भी देखने को मिल रही है कि सेबी 0.001% भी रिस्क नहीं लेगी हमारे पैसों के साथ। कंपनी बहुत बड़ी है, आईपीओ बहुत बड़ा था, तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं C2C के जो आईपीओ आया था उसकी बात कर रहा हूं। आईपीओ अच्छा खासा फिलअप हुआ, टोटल सस की जो बिड थी वो भी आज कल क्लोज हो गई थी। कल लास्ट 5 बजे तक इसकी बिड लगी जा रही थी, उसके बाद वो क्लोज होगी। और सब्सक्रिप्शन अगर टोटल देखें तो इनका रिटेल का ही 132x और DI का 233x और FI का भी 32x के आसपास इसको फिलअप कर दिया गया था। बिडिंग प्राइस काफी हैवी था, एक अगर हम लोट भी लगाएं तो भी ये लगभग 135 के आसपास, 1,35,000 के आसपास लग रहा था। खैर, इसको क्या पोस्टपोन कर दिया कि ये शायद 2 दिसंबर तक दोबारा आपको देखने को मिले, लिस्ट होता हुआ मिले। आप चाहे तो इसके एप्लीकेशन को रख सकते हैं, और अगर आप ये चाहें कि नहीं, हमें हमारी ये बिड कैंसिल करके हम अपनी पैसे आप रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप रिटर्न ले सकते हैं। मैं आगे एक क्लिप डाल रहा हूं जिसके अंदर हमने जो एप्लीकेशन निकालने का वह तरीका बता दिया आपको। सिंपल सी और सीधी सी बात है, अगर आप इसके अंदर एप्लीकेशन निकाल रहे हो तो आपको दोबारा इसके अंदर बिड लगाने का मौका नहीं मिलेगा। केवल और केवल ये आईपीओ कैंसिल नहीं हुआ है, केवल और केवल इसकी जो लिस्ट है वो पोस्टपोन की गई है। अगर आप सेफ जोन में खेल रहे हो तो आप निकल जाइए, और अगर आपके पास कई बार क्या पैसे किसी से लेके हम लगा देते हैं तो आपको निकल जाना चाहिए। अगर पैसे आपके खुद के हैं तो आप बने रहें। लिस्ट शायद ये 2 दिसंबर 3 दिसंबर के आसपास हो जाना चाहिए। पैसा आपका सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। 2 दिन का टाइम दिया गया आपको निकालने के लिए, आज और कल 10 से लेकर 5 बजे के बीच में आप निकाल सकते हैं। मैं निकालने का तरीका आपको आगे वीडियो में डाल देता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आराम से शांति बनाए रखें, और अगर आप निकालने की इच्छुक है तो आप बेझिझक आप इसको निकाल लीजिए। निकालने के लिए आपको क्या करना, आप अपने अकाउंट में जाइए, वहां पे जो आपने आईपीओ लगा रखा है उस आईपीओ के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आगे जाके जैसे ही इन ऑप्शन से अंदर देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। आप किस चीज का अकाउंट यूज करें, ये मेरा स्टॉक का है, आप जिसका भी अकाउंट कर रहे हो उसकी बिडिंग के अंदर आगे डिलीट एप्लीकेशन, विड्रॉ एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी। दैट्स ऑल, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसके अंदर बने रहें, केवल लिस्ट लेट हुई है। और बेटर ये होगा कि आप बने रहेंगे तो देखिए, हम अभी ये मानते हैं कि इसके अंदर एप्लीकेशन इतनी सब्सक्रिप्शन हो गए, इसके अंदर 50% एप्लीकेशन विड्रॉ हमें ये मान के चल रहे हैं कि हो जाएंगी, तो आपके आईपीओ अलॉटमेंट के भी चांस बढ़ जाते हैं। GMP अच्छी खासी 100% से प्लस है। तो आगे आपका व्यू, आपके पैसे आपने किस हिसाब से लेके कैसे लगाए वो उस हिसाब से आप देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। हमारी राय ये रहेगी हमारी टीम की तरफ से कि आप इसके अंदर बने रहें, और अगर आप बिल्कुल ही 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे, क्योंकि लिस्ट अभी चांस है कि 2 दिसंबर तक हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। जैसे ऑफिशियल ऑर्डर आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके बाद आप देख लीजिए क्या करना है। ऑफिशियल ऑर्डर का वेट करने के बाद निकाल लो या फिर अभी निकाल लो, अभी 2 दिन का समय है आपको निकालने के लिए मौका मिल रहा है। हाँ, बाद में आपको जब लिस्ट होगा तभी लिस्ट के ऊपर ही जाएंगे, आपको निकाल नहीं सकोगे उसके बाद एप्लीकेशन को। हाँ, कुछ एप्लीकेशन निकलेगी तो आपके जो आईपीओ निकलने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।